क्वेश्चन नंबर 6 7.2। यदि बिंदु 1 2 4 y 6 x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के ज्ञात कीजिए। निर्देशांक हमें x और y के मान ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट जो हैं वो इसी तरह से a b c d, ए को ये ले लिया, बी को ये ले लिया, सी को ये ले लेंगे और डी को इस पॉइंट का नाम दे देंगे। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का पॉइंट है, शीर्ष है। बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों के मान ज्ञात करो। कैसे क्या होगा, हम देखेंगे कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट एक ही होगा। जो भी हो, x बार हम इसको लिखेंगे और y बार हम इसको लिखेंगे। x y तो इसमें है ना पहले से, इसलिए हम इसको कैपिटल x या कैपिटल y लिख सकते हैं। कैपिटल x और कैपिटल y वो हमारी इच्छा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो x और y जो होंगे वो इसका भी होगा और इस लाइन का भी होगा, इस लाइन का भी होगा। तो हमें इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट दोनों एक ही होंगे निकालना है, वही निकालना है हमको। माना बिंदु ए ये है, बी 4y है, सी x6 और डी 3 5 है, जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, विकर्ण मध्य बिंदु पर इस जिसके विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब विकर्ण एसी एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा डीसी डीबी का मध्य बिंदु, डीबी का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र कौन सा होता है, हम सूत्र फॉर्मूला के लिखेंगे। x निकालने के लिए x1 + x2/2 और y निकालने के लिए y1 + y2/2। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु निकालने का। भुजा हमारे पास ये है, विकर्ण रेखा हम कुछ भी कहें इसको। इसी के लिए x1 ये x2 तो x1 + x2/2 बराबर किसके, इसके 4 + 3/2। ठीक है, x के निर्देशांक निकलेंगे, x का मान यहाँ से निकलेगा, इस x का मान कैपिटल x का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा। बचा क्या, 1 + x इम्प्लाइज लगाते हैं बराबर 4 + 3, तो x बराबर क्या, 7 - 1 = 6। x का मान आ गया इसका। अब y का मान भी तो निकालना है, तो वही इसका मध्य बिंदु बराबर इसका मध्य बिंदु, तो सूत्र हमारा वही y1 + y2/2। तो y1 क्या है इसमें, इसी में ले लो कि 6 + 2/2 = इसके y + 5/2। तो वही 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और 6 8 हो गए, y + 5, तो y 5 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या, 3, तो y का मान आ गया। ये कैपिटल y है लिखना, यहाँ पे x
और ये कैपिटल वाई लिखेंगे, नहीं, ये वाई, ये छोटा स्मॉल ही चलने दो, ये एक्स का मान है ना, जो इसका है वही मान हमारा ये वाई का मान। तो वाई के एक्स और वाई के मान कितने आ गए, 6 और 3, ये वो मान निकल लेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं, जिससे हमें एक्स और वाई प्राप्त हुए। मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं है ये, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये पूरा है एक्स का और इसका ये है, इसके निर्देशांक बराबर होते हैं, इसलिए इस एक्स की वैल्यू निकली है जो हमारे पास यहाँ थी। ठीक, और ऐसी वाई के कोऑर्डिनेट्स, जो इसका कोऑर्डिनेट्स है, इस वाई के बराबर क्या होगा, ये इस वाले लाइन के लिए और ये इस लाइन के लिए, तो ये आ गया, तो इससे वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। नहीं तो हाँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं है। क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन 7.2 क्लास 10th। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी 1-4 है। बी के निर्देशांक 1-4 दिए हैं, केंद्र के निर्देशांक 2-3 दिया है और एक्स हमने मान लिया एक्स और वाई होगा, ए का निर्देशांक हमने मान लिया एक्स और वाई। हम लिख लेंगे हल, माना बिंदु ए के निर्देशांक एक्स वाई है, बी के निर्देशांक दिए हैं, बी के निर्देशांक 1-4 तथा केंद्र ओ के निर्देशांक 2-3 है। ठीक है, अब वही x के लिए, x क्या है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका सूत्र x1 + x2/2, x1 ये है और x2 ये है, तो x प्लस वन बटे 2, और ये एक्स क्या है, ये मध्य बिंदु का एक्स है, मध्य बिंदु का एक्स ये वाला, ये ध्यान रखना है कि ये मध्य बिंदु ये होता है एक्स बाय, ये x1 x/y1 और ये x2 ये y2, ये एक्स है। तो x1 क्या है अपने पास एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है 2, तो हम इसका 2 आगे रखेंगे और ये वाली वैल्यू, ये कितने हो गए 4, x+1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4-1 = x = 3। ओ, ये a का निर्देशांक निकल रहा है, x क्या है, a का निर्देशांक, x का निर्देशांक आ गया। अब y का निर्देशांक, y बराबर वही फॉर्मूला y1 + y2/2, इस y की वैल्यू क्या है, इस y की वैल्यू है 4, नहीं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में y की वैल्यू क्या है -3, और y1 क्या है y, और y2 क्या है 4/2, ये इधर जाएगा -6, y+4, ये -6 -4 = y, तो y बराबर कितना, -10। अतः a के निर्देशांक क्या होंगे, x कितना आया 3, y कितना आया -10, ये हमारे बिंदु ए के निर्देशांक होंगे। ठीक।